चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास होने वाला है। स्पेशली आज का वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, जिन बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश हो गए हैं या फिर होने ही वाले हैं और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आने वाला है, या कई बच्चों के तो भाई बोर्ड एग्जाम दे रहे थे जब से ही कंफ्यूजन था। बहुत सारे डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम में कि सर 10th होने वाली है, अब हमें एक डिसीजन लेना है जो हमारा कैरियर डिफाइनिंग डिसीजन है। अब हमें चूज करनी है स्ट्रीम, हमें आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, और अब हो रहा है हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्योंकि इस पे हमारा कैरियर पूरा डिपेंड करता है, हम कौन से स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, राइट? तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है, हाउ टू चूज योर कैरियर या फिर स्ट्रीम कैसे चूज करनी है, उसके बारे में इन डेप्थ वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो के बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक होने वाली है, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हम बात करने वाले हैं और आपको एक एक चीज मैं बताने वाला हूं कैसे आपको कैरियर चूज करना है, कैसे स्ट्रीम चूज करनी है और कैसे आप स्ट्रीम चूज करके अपने कैरियर को आइकॉनिक बना सकते हैं, राइट? तो बातें करते हैं अब थोड़ी बंद और सीधा चलते हैं वीडियो पे। बोर्ड में आपको चार स्टेप दिख रहे होंगे, कितने स्टेप? 1, 2, 3, 4। इन चार स्टेप्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको कोई भी कैरियर, कोई भी स्ट्रीम कैसे चूज करनी है, राइट? स्टेप नंबर 1 है गोल या एम। सबसे पहले आपको जरूरी क्या है? गोल पता होना, अपनी लाइफ का एम पता होना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अपनी गोल या एम नहीं पता है लाइफ का और दिक्कत यहीं पर आ रही है। इसलिए सक्सेस रेट इंडिया में इसलिए इतना लो है। बच्चे लोगों को जितनी जल्दी आपको अपना गोल या अपना एम पता लगेगा उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में ही आप वो बन जाओगे जो आपने डिसाइड करा है। इसलिए गोल और एम पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंधेरे में तीर चलाना या निशानेबाजी की तरह सब कुछ होने वाला है लाइफ में, राइट? उसी तरह होने वाला है कि आपने लेटर पोस्ट कर दिया लेकिन उसमें एड्रेस मेंशन नहीं कर रखा। एड्रेस क्या हो गया? आपका गोल या एम हो गया। घूमने जाना है लेकिन कहां जाना है ये डिसाइड नहीं कर रखा। सब चीज के बारे में आपको पता है, यहां जाना है, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन लाइफ का गोल आपका सेट नहीं है, दिक्कत यहां है, राइट? लाइफ के गोल आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो गोल सेट करने लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, राइट? अगर आपका गोल सेट है तो आधे से ज्यादा काम वहीं पर हो गया आपका, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रीम चूज करनी है, यस और नो, राइट? देखिए, बहुत सारे मैंने गोल्स लिख रखे हैं, आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, ये गोल्स बताने से पहले मैं आपको 3-4 चीजें पहले बता दूं कि आपको स्ट्रीम या कैरियर चूज कैसे नहीं करना है। एक तो नेबर्स की नहीं सुननी है जी, राइट? कि शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, उसके बेटे ने ये कर दिया। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने नेबर्स वगैरह ने जो कर लिया है उनके चलते अपने बच्चे का कैरियर बर्बाद मत करिए, राइट? नेबर्स ने क्या करा है उससे कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल बच्चे का ट्रेड पर्सनैलिटी होती है, उसका एक इंडिविजुअल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको देखने हैं और फिर डिसाइड करना है अपने बच्चे के कैरियर के बारे में, राइट? नेबर्स ने क्या करा उससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, राइट? आपके फ्रेंड्स, अगर बच्चा देख रहा है ये वीडियो तो उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं उससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका इंडिविजुअल कैरियर आप खुद डिसाइड करेंगे अपने इंटरेस्ट, अपने एबिलिटी और स्किल सेट के बेसिस पे, यस और नो, राइट? फ्रेंड्स के देखा देखी कैरियर डिसाइड नहीं करना है, नेबर्स के देखा देखी, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी सजेशन देता है उसके देखा देखी नहीं डिसाइड करना है। प्लस स्कोप के बेसिस पर, जी हाँ, कि इस कैरियर में अभी स्कोप है चलो ये कर लेता हूं, नहीं। बहुत बच्चों ने अपने कैरियर बर्बाद करे हैं सिर्फ स्कोप के नाम पर, राइट? स्कोप जैसा कुछ भी नहीं होता है, हर चीज में स्कोप है, प्रोवाइडेड आप उस चीज में अपना बेस्ट दें, 100% दें और उस चीज में अच्छे बने, ग्रो करते जाएं। पूरा बच्चों क्लियर? हर चीज में स्कोप है, हर चीज में, राइट? तो ये 3-4 चीजें आपको नहीं करनी है। स्कोप जैसा कुछ नहीं होता, हर चीज में स्कोप है, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह की नहीं सुननी है।
पूरा बच्चों क्लियर? अब देख लेते हैं, देखिए आपका गोल कुछ भी हो सकता है बच्चों, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड ही करना है आपको कि लाइफ में मेरा क्या गोल है। जो भी आपका इंटरेस्ट कुछ ना कुछ तो गोल सबका होता है, राइट? बिजनेसमैन हो सकता है, मैंने एक लिस्ट तैयार करी गई, हो सकता है इनमें से आपका कोई गोल हो, अगर नहीं भी है तो एक नोट डाउन करना है आपको कॉपीज में जो भी आपका एम है। यस, बिजनेसमैन हो सकता है, सीए आप बनना सोच सकते हैं, आप सीए, सीएस, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, लॉयर, डिफेंस में जाना है आपको, राइट? टीचर बनना है, शेफ बनना है, गेमर, एक्टर, क्रिकेटर, आपका गोल कुछ भी हो सकता है, राइट? अगर आपका गोल सेट है, अगर आपका गोल सेट है तो 80% डिसीजन आपने खुद ने ही ले लिया है या डिसाइड कर लेंगे आप इजीली कि आपको स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस से रिलेटेड कौन से स्ट्रीम में आपको पढ़ाया जाता है, कॉमर्स में। सीए सीएस बनना है, आप कॉमर्स स्ट्रीम चुनेंगे। इंजीनियर बनना है, साइंस स्ट्रीम चुनेंगे। साइंटिस्ट बनना है, अगेन साइंस स्ट्रीम चुनेंगे। डॉक्टर बनना है, साइंस चुनेंगे और बायोलॉजी आप लेंगे। लॉयर बनना है, कॉमर्स से भी बन सकते हैं, आर्ट्स से भी बन सकते हैं, साइंस से भी बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल आर्ट्स रहती है। तो जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका गोल हो उससे रिलेटेड आपको स्ट्रीम चुनना फिर ईजी हो जाएगा, राइट? आपको स्ट्रीम चुनते वक्त अपना कैरियर, जो आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद, वो भी दिमाग में होना चाहिए। हेलो, राइट? आप ये मतलब नहीं है कि यार नाइन्थ में या टेंथ में मेरे इसलिए अच्छे मार्क्स आ गए, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, चलो मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूं। नहीं, आपका जो कैरियर का गोल है उससे रिलेटेड ही आपका स्ट्रीम होनी बहुत जरूरी है। ये तो बाद में बच्चे पछताते हैं कि सर ये क्या ले लिया हमने, राइट? और वो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया बिल्कुल भी इंप्लीमेंट मत करना कि 80 अबव आएंगे साइंस लूंगा, 60-80 आएंगे तो कॉमर्स लूंगा, और 60 से कम आ गए तो आर्ट्स लूंगा। ये भाई 21st सेंचुरी में ये अब अप्लाई नहीं होता है, राइट? 2020 चल रहा है भाई, अब ये अप्लाई नहीं होता। हर स्ट्रीम में कैरियर है, राइट? आर्ट्स वाले जितने पैसे कमा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, राइट? तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स सब इक्वल है, सारे स्ट्रीम इक्वल है। डिपेंड करता है आपका गोल किस स्ट्रीम से मैच करता है और आपको वही स्ट्रीम चुननी है। हो रहा है बच्चों क्लियर? डिफेंस में जाना है, साइंस लेनी है क्योंकि वहां पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पार्ट बहुत सारा रहता है। टीचर आप आर्ट्स ले सकते हैं, शेफ बनना है आप कॉमर्स से कर सकते हैं, गेमर के लिए साइंस बैकग्राउंड अच्छा रहता है, एक्टर के लिए आर्ट्स हो सकता है, क्रिकेटर के लिए आर्ट्स हो सकता है। कोई सा भी आपका गोल है, फर्स्ट पॉइंट का बताने का यही मतलब है कि आपका जो भी गोल है उससे रिलेटेड आपको स्ट्रीम अगर चुनेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बच्चों क्लियर? तो गोल या एम डिसाइड करना फर्स्ट स्टेप में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड स्टेप देखते हैं, एबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। अब ये देखना है खुद को एबिलिटी में, भाई अपने गोल तो डिसाइड कर लिया, क्या मेरे बस की है उस गोल को अचीव करना? आपने सीए बनने की सोच लिया और आपसे एक घंटा ढंग से पढ़ाने जा रहा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो है आपकी, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, क्या आप सीए बन पाओगे? यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। बच्चे खुद से झूठ बोलते हैं, प्रॉब्लम यहां पर आती है, राइट? पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप यार खुद से झूठ नहीं बोल सकते। कैरियर सिलेक्शन के टाइम में आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि यार मुझ में एबिलिटी है क्या सीए बनने वाली, क्या करो? जो भी ये प्रोफेशन है गूगल करो, सर्च करो, यूट्यूब में डालो डेली रूटीन ऑफ सीए, तो आपको पता लगेगा एक सीए का बच्चा कितने घंटे पढ़ रहा है, व्हाट इट टेक्स टू बिकम सीए। तो खुद की एबिलिटी में एनालाइज करो, क्या मुझ पे वो एबिलिटी है, क्या मेरे बस का है उतना पढ़ पाना, क्या मेरे में जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड नॉलेज मैं गेन कर पाऊंगा, यस और नो? जो भी आपका कैरियर हो, गिवन गोल हो, उससे रिलेटेड अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट करो यार, क्या आपकी एबिलिटी मैच कर रही है क्या उसके साथ, राइट? साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी आपको एक्स वाई जेड बनना है, एक्टर, गेमर, डांसर, जो भी आपको बनना है, क्या आप में वो एबिलिटी है, क्या आप उतना पागलपन के हद तक उस प्रोफेशन को परस्यू कर पाएंगे ट्वेल्थ के बाद, क्या उस प्रोफेशन को परस्यू करने में जितनी मेहनत लग रही है क्या आप वो करना चाहेंगे, क्या वो कर सकते हैं आप, क्या आप अपने कैरियर के बारे में सीरियसली ही सीरियस हैं, यस और नो? तो मेन चीज क्या है, खुद की एबिलिटी भी देखो यार, राइट? अगर अंधाधुन में तुक्के में कोई कैरियर चूज भी कर लिया है तो वही ट्वेल्थ के आने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने गलत कैरियर चुना है और क्योंकि मुझ पे वो एबिलिटी नहीं है, राइट? यू हैव टू टेस्ट योर एबिलिटी। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट, बहुत जरूरी है। गोल सेट कर लिया, एबिलिटी में आ गए, हाँ सर मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझ में वो एबिलिटी है, मैं ये गिवन कैरियर में से जो भी मेरा चूजन कैरियर है मैं वो बन सकता हूं या मैं वो अचीव कर सकता हूं, राइट? अब इंटरेस्ट की बात आती है, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है बच्चों।
अगर आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी आप कैरियर चूज करना चाहते हैं या जो चीज भी आप बनना चाहते हैं, जो प्रोफेशन को भी आप एक्वायर या बनना चाहते हैं वैसा, उससे रिलेटेड अगर इंटरेस्ट होगा तो जॉब आपको जॉब की तरह नहीं लगेगा, राइट? आप इंजॉय करेंगे अपने वर्क को, जो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस वाली चीज है वो आएगी अगर आपका इंटरेस्ट है अपने प्रोफेशन या गोल से रिलेटेड। यस, अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। एक सिंपल से ट्रिक बताता हूं आपको मैं, राइट? इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलिए कि जो भी आपका गिवन प्रोफेशन है, जो भी गोल है आपका, जो आपने सोच रखा है कि मुझे ये बनना है, उससे रिलेटेड दो चीजें बता रहा हूं, मुझे आंसर बताइएगा इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जो भी आपका गिवन गोल है, राइट, उससे रिलेटेड बुक्स बनी हो, राइट? जो भी आपका गिवन प्रोफेशन है उससे रिलेटेड अगर कोई बुक बनी हो 300 पेज की, क्या आप वो चीज पढ़ना चाहेंगे? मान के चलो सीए के बारे में एक बुक बनी है, 300 पेजेस की मोटी बुक है, उसमें ए टू जेड सारी चीजें लिख रखी है, गिवन है कि क्या क्या चाहिए सीए बनने के लिए, एक सक्सेसफुल सीए कैसे बना जाता है, तो क्या आप वो बुक पढ़ना चाहेंगे अगर सीए बनना चाहते हो आप? तो अगर पढ़ना चाहोगे तो आप में इंटरेस्ट है उस प्रोफेशन से रिलेटेड, आपको जाना चाहिए सीए बनने में। हो रहा है बच्चों क्लियर? अगर क्रिकेटर बनना है और उससे रिलेटेड बुक है 300 पेजेस की, क्या आप वो पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए क्रिकेटर बनना चाहते हैं, राइट? तो मेन चीज क्या है, इंटरेस्ट को जांचने का, या तो बुक्स लिखी गई हो या 10 घंटे का एक वीडियो हो, क्या आप वो 10 घंटे का वीडियो देखना चाहेंगे? जिस भी प्रोफेशन को आपने चूज करा है उसके बारे में अगर वो वीडियो हो, क्या आप उस वीडियो को पूरा देखना चाहेंगे? देखिए फैक्ट या इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी या जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट होता है ना, या जो भी आपका प्रोफेशन होता है, आप दिल से अगर वो प्रोफेशन को चाहते हैं बनना, तो आप उसके बारे में ए टू जेड सारी चीजें रिसर्च करना चाहोगे, आप उसमें बेस्ट बनना चाहोगे, आप उससे रिलेटेड सारा मटेरियल जो भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ पढ़ना चाहोगे। हो रहा बच्चों क्लियर? तो अपने इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, सोच के चलिए अगर इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रोफेशन बनना है उससे रिलेटेड 300 पेज की बुक हो, तो क्या आप वो पढ़ना चाहोगे? अगर आंसर हाँ है, मैं एक चीज पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वो ही मुझे बनना है, और जितनी जल्दी मैं वो बुक पढ़ूंगा मुझे समझ में आ जाएगा मुझे क्या बनना है, अगर हो इंटरेस्टेड, तो थर्ड स्टेप भी आपका टेक हो रहा है। गोल क्लियर है, एबिलिटी से मैच कर लिया है, हाँ मैं इंटरेस्ट हूं, मैं 10 घंटे का वीडियो भी देख लूंगा और 300 पेज की बुक भी पढ़ लूंगा उस प्रोफेशन से रिलेटेड जिसमें भी मुझे इंटरेस्ट है। मूव ऑन करेंगे स्किल सेट पे। अभी स्किल सेट क्या होता है, देखिए हर बच्चे का एक इनबॉर्न टैलेंट होता है। इनबॉर्न टैलेंट मतलब क्या, बचपन से ही बहुत बढ़िया आप क्रिकेट खेलना चालू कर, 3 या 4 साल के बच्चे ही बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप में कहीं ना कहीं इनबॉर्न टैलेंट है क्रिकेट को लेके। अगर आप अपना प्रोफेशन क्रिकेट चुनेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं या बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल सकती है। अब कई बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बचपन से ही बहुत अच्छी होती है, तो अगर वो मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको सक्सेस वहां पर बहुत अच्छी मिलती है, राइट? इस पॉइंट को बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर जो आप में टैलेंट है, जो स्किल है, उससे रिलेटेड अगर आप प्रोफेशन चुनेंगे तो आपको सक्सेस गारंटेड है मिलना, प्लस हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की जो बात आती है वो आपको मिलना ही मिलना है। हो रहा बच्चों क्लियर? तो अपना स्किल सेट को आइडेंटिफाई करिए। हो सकता है आप में कोई स्किल सेट हो जो किसी प्रोफेशन को मैच कर रहा हो, और आपको वही प्रोफेशन अगर आपने चुन लिया तो आपकी सक्सेस की जो रेट है, ग्रोथ है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। बच्चों क्लियर? तो आपको फाइंड आउट करना है अपना स्किल सेट क्या है, और उससे रिलेटेड ही क्या करना है, आपको अपना प्रोफेशन चुनना है। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना बच्चों? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए अब वो सिंपल 3 स्टेप में सब कुछ बता दो, वैसे वीडियो का टाइम नहीं है, राइट? आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने कैरियर से रिलेटेड, तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला आपको फॉलो करना है अपने कैरियर को चूज करते वक्त। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन आप इसको अगर 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा, क्योंकि आने वाले 3 से 4 या 5 वीडियो मेरे ये कैरियर चूजन के लिए ही होने वाले, राइट? तो हर एक वीडियो देखना है आपको। नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताने वाला हूं कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, कॉमर्स लेते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, साइंस लेते हैं तो क्या बेनिफिट है, आर्ट्स के साथ भी मैं यही करने वाला हूं। तो एक एक टॉपिक पे बारीक वीडियो आपको मिलने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 वीडियो। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो आज का ये वीडियो वापिस से रिकॉल करा रहा हूं, वापिस से रिकैप करा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। गोल सेट करने हैं, गोल सेट करने हैं, जितने आपको जिस भी एरियाज में इंटरेस्टेड है 1, 2, 3, 4 नोट डाउन करिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? गोल लिखिए, जो भी आपका अतरंगी सतरंगी जो भी आपका गोल हो, आज के टाइम पे आप किसी भी चीज में,
किसी भी, आई मीन इट, आप किसी भी चीज में अपना कैरियर या प्रोफेशन बना सकते हैं और उसमें लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि लोग क्या क्या करके कितने करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? अपना गोल सेट करना है, किसी भी प्रोफेशन में आपका गोल हो सकता है, वो कुछ भी आप बनना चाहें, 3 से 4 जो भी आपको सबसे बेस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन लगते हैं कि ये मैं बनना चाहता हूं या मैं बन सकता हूं, लिखने अपनी एबिलिटी को मैच करना है उसके साथ। क्या मुझ पे वो बनने वाली एबिलिटी है? आईएएस आईपीएस सोच लिया आपने और आपसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटिकल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं बन पाओगे, खुद से झूठ नहीं बोलना है। पूरा बच्चों क्लियर? एबिलिटी में जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, सच्चाई रखनी है खुद। नहीं पढ़ाई में मन लगता तो यार और हजारों कैरियर है ना, उन चीज को चुनिए, राइट भाई। नफरत नहीं, स्टडी से नफरत तब होती है जब आपने वो चीज चूज कर ली होती है जिस चीज के लिए आप बने नहीं हो, यस और नो। थर्ड में इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट के लिए 2 क्राइटेरिया, 10 घंटे का वीडियो हो और उसी टॉपिक पे एक बुक लिखी हो 300 पेज की, क्या वो पढ़ना चाहोगे? अगर आंसर यस है तो वो प्रोफेशन आपके लिए है, अगर आंसर नो है तो वो प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। फोर्थ स्किल सेट, क्या आप में कुछ इनबॉर्न टैलेंट है, स्किल है? हो सकता है बचपन से अच्छा डांस करते हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हो, कन्वर्सेशन में बहुत अच्छी हो, तो उससे रिलेटेड कैरियर चुनिए, उससे रिलेटेड कैरियर चुनिए। हो रहा है बच्चों के? अगर ये 4 स्टेप किसी भी आपके प्रोफेशन से मैच कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही प्रोफेशन आपको या स्ट्रीम आपको चुननी है। क्या सुनो? पूरा बच्चों क्लियर? अब स्ट्रीम कौन कौन सी होती है, स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नेगेटिव है, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो सीरीज में आपके आने वाली है, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं पसंद आया होगा। अब एक हेल्प करनी है मेरी, ये वीडियो हर एक बच्चे के पास पहुंचाना है जो कि कंफ्यूजन में है, चाहे वो 10th में है या 12th में है कि मुझे आगे क्या करना है, राइट। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ऐसा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप हेल्प करेंगे मेरी इस मटेरियल को हर एक बच्चे के साथ पहुंचाने में, तो भाई कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प हो रही है प्लस आप किसी और की भी हेल्प कर रहे हैं मेरे थ्रू, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा, शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या एम्बिशन है, इन सारे स्टेप के थ्रू कौन सा आपका प्रोफेशन मैच कर रहा है और आप लाइफ में क्या बनना चाह रहे हैं, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।